Hey guys, welcome to channel Exam Guruji. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छी चल रही होगी. तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं SSC स्टेनो का 2010 में जो पेपर आया था उसको, और उसका हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे. उसके बाद हम इंग्लिश के जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो इसके बराबर में बेल का आइकन है उस पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अब SSC स्टेनो के 2010 से लेकर 2017 तक के सारे पेपर्स जो है वो एग्जाम गुरु जी की टीम कराने वाली है सॉल्व, और उसके बाद कराएंगे हम डिक्टेशन की वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी. और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल आइकन पर प्रेस करने से आपको हमारी वीडियो जो होंगी हमारी तरफ से अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप वीडियो को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं. ये 14 क्वेश्चंस हैं हमारे फर्स्ट पार्ट में. तो सबसे पहले आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं तो एक काम किया करिए, आप ABCD ए से जेड तक लिख लिया करिए अल्फ़ाबेट को. तो आप इस तरीके से अल्फाबेट को लिख लीजिएगा, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो ये आपको हेल्प करेंगे उसको करने में. जैसे कि मैं देख रहा हूँ CXDW, तो मैंने देखा C का अपोजिट X है और D का अपोजिट W है, यानी कि अपोजिट लिखे गए हैं. ठीक है, G का अपोजिट T है, H का अपोजिट S है, J का अपोजिट Q है और K का अपोजिट P है, देन H का R, तो H का जो है S है, R नहीं है, तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो क्या है, इसमें ऑड वन है. नेक्स्ट है वूल, फीदर, हेयर और ग्रास. ठीक है, वूल और फीदर, हेयर, ये सब क्या है, किसी भी एनिमल के पार्ट है, और ग्रास जो है एक घास है, तो ये ऑड होगी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है नंबर 3 पे एक फिगर दे रखा है, फिगर के अंदर कुछ और दे रखा है. ठीक है, तो इसमें जो अंदर जो है वो जो है क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, और इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो ये आंसर होगा जो कि कमीशन से दिया गया है. बट एक आंसर और भी हो सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके जो साइड में नोक है इसमें भी नोक है, इसमें ये फ्लैट है लाइन है इसमें भी लाइन है, इसमें नोक है इसमें भी नोक है, तो ये भी हो सकता है रीजनिंग के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कमीशन पर उसने कौन सा सेट किया है. तो कमीशन का जो आंसर था SSC का वो सी था. नेक्स्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं, 57 और 47, 10 का गैप, 10 का गैप, यहाँ 1 का गैप और यहाँ 20 का गैप. तो कमीशन ने मेरे हिसाब से तो आंसर जो है वो कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 20 का गैप है और यहाँ जो दे रखा है कमीशन ने आंसर वो वी दे रखा है, क्योंकि उसने बोला है कि तीनों का, और जो बहुत सारी किताबें हैं उसमें यहाँ क्वेश्चन दिया है तो उसमें यही बोला गया है कि सब में 10 का गैप है, बट यहाँ पर 20 का गैप हो रहा है, तो या तो यहाँ 49 होगा, नहीं तो फिर इसके दो ऑप्शन गलत हैं. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. 5th में ये देखिए बॉल ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे है, तो 5th का ए होगा. 6 का 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 5 का 25 और 4 का 16, तो ये सारे क्या है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो 6 का सी आंसर. नेक्स्ट है जिराफ, हॉर्स, कैमल और बुल लॉक. ठीक है, तो इसमें क्या है, जिराफ जो होगा वो होगा सबसे फास्ट दौड़ता है. और नेक्स्ट है 8 नंबर, EDHG. तो एक चीज अगर मैं देखूं यहाँ से, ये देखिए डी के बाद ई आता है और जी के बाद एच, यानी कि उल्टा है, ठीक है, के बाद एल, एन, ओ, और यहाँ क्या UVWX, यानी कि सीधा का सीधा आ रहा है, तो आंसर जो होगा 8 का सी होगा. नेक्स्ट है फॉरवर्ड, टेक्स्ट, इंडेक्स और प्रीफेस. तो इसमें होगा टेक्स्ट. फॉरवर्ड का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ का बारे में देना, जैसे कि इंडेक्स या प्रीफेस. ठीक है, और 10th में स्पोर्ट ग्राउंड और सिनेमा स्क्रीन, ड्रामा स्टेज, और इसका होगा 10th का डी. जो भी ये रेस्ट हैं जो तीनों हैं ये क्या है, कोई भी गेम इसमें खेला जाता है और ये इससे अलग है. 11th नंबर
ये तीन ऊपर जा रहे हैं, फिर इस साइड में आ गए, ठीक है, ऐसे ही ये, तो ये वाला साइड ऐसे होना चाहिए था, एक छोटा होता इसमें और एक बड़ा, तो ऑप्शन जो है डी होगा इसका आंसर। 12th है, मैन की बायोग्राफी होती है तो नेशन का क्या होता है, हिस्ट्री होती है, यानी कि ऑप्शन डी। 13, क्रॉप जो है फार्म में होती है और कहाँ होती है, माइन के अंदर, यानी कि क्रॉप जो फसल है वो कहाँ, खेत में होती है, और जो कहाँ मिलती है, हमें माइन में मिलती है। और 14 नंबर अगर हम देखें, दो पॉइंट अंदर है, फिर इसके बाद क्या है, ये तीन पॉइंट बाहर आ गए, और ये बड़ा वाला बीच वाला है ये डॉट, तो ऐसे ही एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और ये बीच वाला ये होगा, और होगा क्या, ये देखो पांच साइड है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 4 रह गई, अब 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन था, 21, 3, तो 574 का क्या होगा, तो जो आंसर दिया है कमीशन ने वो दिया है सी, और वो होगा कैसे, 2 और +1, ये कितना हो गया 3, ऐसे ही 5, 7, 12, और ये हो गया इसका 8, 16, और 9 और 7 का 8 क्या होगा 16, बट इसका एक आंसर और भी हो सकता है, जैसे कि 3, 7 जा, इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो 7 आया, ऐसे ही 82 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा, इसका आंसर ये भी हो सकता है, बट कमीशन ने जो आंसर दिया है वो सी दिया है, 97, और उसका जो लॉजिक दिया है वो ऐड कर दिया है, ठीक है। नंबर 16, BELL और AFKM, वैसा ही डोर को आप कैसा लिखेंगे, तो मैं अगर देखूं इसको ए का बी है तो यहाँ सी होना चाहिए, तो ये तो खत्म हो गए पहले ही, एलिमिनेट करना जल्दी सी के, एलिमिनेट से जल्दी होगा क्वेश्चन, फिर ई के बाद एफ आ रहा है तो ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा, तो सी पी ये भी हट गया, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये 11 का स्क्वायर माइनस 2 है, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 2 223, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। JKLM यानी कि इसके बाद आ रहा है, तीन बीच में, तो एस के पास TUVW, ठीक, तो इसमें ये लॉजिक नहीं लगने वाला, तो हम दूसरा लॉजिक देखते हैं। जे के बाद ये तीसरे नंबर पे सामने के आया है, ठीक है, जे के बाद क्या आता है, तो ऐसे ही एस के बाद क्या आएगा, SUWY, तीसरे नंबर का वर्ड जो होगा वो टी होगा, ठीक है। एल के बाद एम है तो यू का वी होगा, VT अगर हम देखें तो केबल और केबल सी ऑप्शन में, आगे और भी चेक कर लेते हैं। N के बाद वो है यानी कि W के बाद X होगा, और P के बाद ये R आ जाएगा, I जो है, तो XBTR जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि आंसर C 18 का। अब इसकी बात करें, ये है 2 का क्यूब माइनस 8 बराबर 0, 3 का क्यूब माइनस 8 बराबर 19, यानी कि ऑप्शन B जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबर 20 में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न कुछ समझना होगा, एक ये जो है ये कहाँ पे आया, 1 और 2, ठीक, और ये यहाँ से 2 पे पहुँच गया, तो ऐसे ही ये कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए इस प्लेस पे, तो इस प्लेस पे केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यहीं से हमारा आंसर सॉल्व आंसर आ गया, ठीक है, तो बी का बी होगा। तो मैं अगर इसको देखूँ, NLORPS, ओ का पी है यानी कि लास्ट वाले का सेकंड नंबर पे आया है, तो VTW, तो ये यहाँ पे एक्स होना चाहिए, है कोई ऐसा नहीं, ठीक है, तो फिर दूसरा पैटर्न देखते हैं, RPS, अगर मैं इसमें प्लस 4 करूँ और इसमें भी प्लस 4, इसमें भी प्लस 4, तब ये मुझे मिल रहा है, ठीक है, NPRS। और एक चीज अगर मैं और देखूं ऑप्शन में कि एन के बाद वाला ही नंबर आना है, मतलब अल्फाबेट, तो वी के बाद वाला ही आएगा नेक्स्ट, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और टी जो है पहले से होगा, तो आंसर तो ए होना ही होना है, ठीक है। फिर दूसरा जो पैटर्न है वो इसमें प्लस 2 कर दो, तो सारे प्लस 2 करोगे, यानी कि इसमें सारे प्लस 4 हो रहे थे और इसमें सारे प्लस 2 हो रहे थे, तो आंसर जो होगा वो 21 का 1 होगा, ए होगा। नेक्स्ट है 22 में क्या है, 436, 382, 337, 238, इसकी अगर मैं गैपिंग करूं तो कितना आएगा,
यहाँ से मुझे मिलेगा 54 और यहाँ से 45, और इसकी गैपिंग करूँगा तो 9 मिल जाएगा। ठीक, ऐसे ही 337 से 238 पे जाऊँगा तो 99 मिलेगा, और यहाँ से जो होगा मुझे प्लस 9 चाहिए, इसे दो दो गैप, तो यहाँ पे होना चाहिए 90। ठीक है, 45, 9, 54, 90 और 9, 99, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 148। ठीक है, 148 के बाद ये 148 जो है वो ऑप्शन डी है, और ये 148 आया कैसे, 238 में से जो हमारी 90 आया है ये 90 माइनस करना है, 8, 13 में से 9 गए 4, 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में क्या, थोड़ा फिगर आपको अगर क्लियर दिखता हो तब तो ठीक है, वरना क्योंकि ये काफ़ी पुराना था पेज जिसका क्लियर नहीं हो पाया था तो ठीक है, वरना इसका आंसर जो होगा वो 23 का ए होगा, और ए जो होगा वो इसलिए होगा कि जो ट्राइंगल है बने हुए वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, नेक्स्ट वाले में क्या होना है, चार होना है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बट वो फोर, ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, और लेकिन आप देखिए ऊपर वाली पत्तियां भी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें इंक्रीज नहीं हुई, इसमें केवल दो ही हुई हैं, तो ये नहीं होगा, यहाँ भी दो ही हुई हैं, यहाँ दिख रही है ज़्यादा सी, तो ऑप्शन ये यही होगा, इसमें पिक्चर जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, बट आंसर जो है वो यही है। नेक्स्ट 24 में हमें दे रखी एक सीरीज जिसमें बताना नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है। अगर मैं इसकी गैपिंग करूं यहाँ पे तो गैपिंग में मुझे मिलेगा 13 और ये इसका 40 का 27, और 40 से 120 का गैप होगा 82, और ये 247। ठीक है, ऐसे ही आगे, फिर अगर मैं इसका गैप करूं तो क्या मिलेगा 55, और ये मिलेगा मुझे 165। तो 55 तियाँ होते हैं, मतलब 55 into 3 करेंगे तो 165 मिलेगा, और इसको फिर इंटू 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 15 हाथ से लगा 1 6 18 1 19 3 495 मिलेगा, 495 को मैं इसमें ऐड कर दूंगा 247 में, तो 742 मिलेगा, इसमें ऐड करूंगा। ठीक है, तो 742 को 369 में ऐड करना है, फिर 742 और 369, 9 2 11 कैरी किया 1 6 4 10 11 कैरी किया 1 3 10 और 11, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25, एक फिगर है उसमें कुछ अंदर जो है प्रोसेस चल रहा है, वो क्या चल रहा है देखना है, ये जो है वो तो स्तर है एक ही जगह है, और ये जो सर्किल है ये यहाँ से यहाँ है, यानी कि क्लॉक वाइज घूमा। अब नेक्स्ट वाली में क्या है, ये है, ठीक है, इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है हमें, तो एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, ये वहीं पर रहेगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, केवल ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 26 क्या है, एच जे एम क्यू और नेक्स्ट नंबर हमको बताना है क्या है। तो अगर मैं इसमें देखूँ एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू के बाद आर एस टी यू और V, यानी कि 26 का D जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 27 में एक सीरीज दे रखी है 6, 10, 18 और 34, नेक्स्ट नंबर पूछा है क्या होगा, तो इसमें देखते हैं गैप कर लेते हैं, 6 4 10 8 18 और ये 14 में 8 गए 6, यानी कि 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, और 32 और 34 कितना होगा, 4 2 6 3 3 6 66, 27 का जो होगा वो 66 होगा। नेक्स्ट है एन ओ ए बी, यानी कि 4 4 के मैं अगर पार्ट बना लूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ये एन ओ ए बी, ठीक है, फिर ये वाला इसका लिया है एन ओ का लास्ट, और इसका ये लिया है, देखो ओ के बाद पी है और बी के बाद सी है, ठीक है, फिर पी के बाद क्यू है और सी के बाद डी है, अब क्यू के बाद क्या होगा, क्यू आर और डी का डी ई, यानी कि क्यू आर डी ई,
ये चार चार का पेयर बना लो और लास्ट वाले को लेके फिर नेक्स्ट में चले जाओ। 29 को देखते हैं, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको क्या करना होता है, सारे के सारे हमको ऑप्शंस रखने पड़ होते हैं। ठीक है, मैं ऑप्शन सी रखता हूँ जो कि करेक्ट है, और अब वो एक पैटर्न बनेगा। ठीक, तो ए बी डबल ए बी ए, ठीक है, तो ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए, ठीक है, दो ए आए थे और एक पहले से था और ये ट्रिपल बी, ठीक है, एक ए ये बाद में ले जाएगा जो आगे सीरीज बनाएगा, यहाँ पर फिर चार ए आ जाएंगे और चार बी आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फटाफट जो है सारे ऑप्शन रख के कर लिया करिए और उसमें जो भी पेयर बनना हो उसको देख लीजिए। नेक्स्ट है 30, जो हमें बताना है कि एक सीक्वेंस कैसे बनेगा, करेक्ट जो सीक्वेंस है, मीनिंगफुल ऑर्डर जो है वो क्या होगा। तो इसमें होगा सबसे पहले तो आएगा हमारा लेटर, तीन नंबर लेटर के बाद आएगा वर्ड, दो नंबर, तीन दो सब में है, वर्ड के बाद आएगा सेंटेंस, चार नंबर, तीन दो चार भी हैं, ये ख़त्म, सेंटेंस के बाद आएगा पेजेस, छः नंबर, फिर चैप्टर, फिर बुक, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और ऑर्डर बनाना है हमको, वो है ग्रैंडफादर, ग्रैंड ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, सन एंड फादर। ठीक है, तो इसमें फिर से हम लगाते हैं वैसे ही, सबसे पहले आएगा हमारा ग्रैंडसन, तीन, फिर चार सन आएगा, ठीक है, फिर पांच फादर आएगा, तीन चार पांच का एक ही है, तीन से स्टार्ट ही एक ही है, तो आप आंसर जो होगा वो आपका यही होगा, फिर ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है राजू रैंक्स 10 फ्रॉम द टॉप, मैं मान रहा हूँ ये टॉप है, यहाँ से वो 10 है राजू, ठीक है, एंड रवि रैंक 21st फ्रॉम द बॉटम, मैं मान रहा हूँ बॉटम का ये हिस्सा है और यहाँ पे 21st है, ये रवि बैठा है। इन देयर आर 3 स्टूडेंट बिटवीन देम, तीन स्टूडेंट इनके बीच में है, तो यानी कि 10 ये है तो 11 12 13 ये कोई होगा, ठीक है, तो 21 और 14 कितना होगा, 5 और 3, इसमें से क्योंकि ये 21 जो है रबी के लिए भी यूज़ हुआ है और ये फिर 14 इधर से बॉटम से रबी के लिए यूज़ हुआ है, तो एक माइनस कर देंगे, यानी कि दो प्लेसेस ने गिर रखे रबी ने, तो 4, तो 34 जो है वो स्टूडेंट है उस क्लास में। नेक्स्ट है पी इज़ द फादर ऑफ टी, ठीक है, पी इज़ द फादर ऑफ, ठीक है, टी, तो ब्लड एंड रिलेशन की हमने वीडियो पहले भी अपलोड की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाया गया है। और टी इज़ द डॉटर ऑफ एम, ठीक है, तो ये डॉटर हो गई, अब ये इसकी पत्नी होगी, डॉटर ऑफ एम, ठीक है, एम इज़ द डॉटर ऑफ के, और ये के की बेटी है, के का जेंडर नहीं बताया गया। वॉट इज़ पी टू के, जो ये पी है वो के क्या है, तो वो है सनिल्ला, ऑप्शन जो डी होगा। ठीक है, अगर इस केस में ये पूछा जाता के क्या है पी के, तो हम नहीं बता सकते थे कि सास हैं कि ससुर हैं, क्योंकि हमें जेंडर नहीं बताया गया था, बट हमसे पूछा गया है कि पी क्या है, तो पी हम बता सकते हैं सनिल्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बताया गया कि इफ पेंसिल इज कोडेड, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पी ई एन सी आई एल पेंसिल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, तो एक चीज़ हमें निकल के सामने आ रही है, पी का जो रिलेट है, मतलब पी को कोड किया है, वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ भी पी को क्वेश्चन मार्क किया है और यहाँ भी क्वेश्चन मार्क किया है। हमसे पूछा है क्लिप, क्लिप का बताना क्या होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसके सामने लिखा गया है वो इसका कोडेड वर्जन है। ठीक है, तो सी को क्या लिखा गया, इक्वल टू का साइन, फिर एल आ गया, एल को क्या गया, सेवन लिखा गया है, फिर आई आ गया, आई को क्या लिखा गया है, सेमी कोलन, और P को क्वेश्चन मार्क, तो आंसर जो होगा वह हमारा ये होगा, यानी कि डी ऑप्शन, 34 का डी। नेक्स्ट है 35, जे बराबर दे रखा है, 10 है और जैस्मीन, सेवेंटी वन है, मतलब कि इसको 10, ये 1, ये 19,
13, 9, 14, 5 इसको ऐड करूंगा मैं तो ये 71 आएगा। तो मुझे बताना है एस्टीमेट, ठीक है एस्टीमेट, एस्टीमेट का मैं ये देखूं तो ये 5 होगा प्लस 19 होगा प्लस 20 होगा प्लस 9 होगा प्लस 13 होगा प्लस 1 होगा प्लस 20 होगा प्लस 5 होगा, ठीक है। और मैं इसको ऐड करूंगा तो वो सब मिलके आ जाएगा मेरा 92, यानी कि 35 पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। रेस कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर आप देख ना पाए हो जल्दी में तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेना उसको, ठीक है। नेक्स्ट है 36, जो सीता है स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई। नॉर्थ क्या है, ऊपर की तरफ को होता है। टर्न डाउन हर राइट, ठीक है राइट इसका क्या होगा, ये होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ये है कि अपने आप को ये अज्यूम कर ला लो, ठीक है मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैंने राइट मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, देन टर्न डाउन राइट अगेन वॉक, ठीक है तो ऐसे घूमूंगा। अब मैं किधर को फेस कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ साउथ को तरफ, ठीक है इस साइड में किधर होता है, साउथ होता है ये। अगर मैं देखूँ साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है तो आंसर जो होगा 36 का वो क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन वॉक्स 7 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है अब मैं चला 7 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। टेकिंग लेफ्ट टर्न एंड वॉक फर्दर 5 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ा 5 किलोमीटर चला, देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ा, अब मैं कितना चला 15 किलोमीटर। तो डेट मीन कि इतना तो 7 हुआ, ये इतना 8 हो गया, ठीक है टोटल 15 हो गया। फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न अगेन वॉक, फिर से लेफ्ट मुड़ा और 5, यानी कि इतना ही चलूंगा। तो अब मैं यहाँ आ गया बिल्कुल ये सेम पोजीशन में, ठीक है तो हाउ मच डिस्टेंस ही इज ही अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी। यहाँ से चला था ना वो, अब यहाँ पहुँच गया तो ये कितनी है, ये 8, ठीक है तो 8 किलोमीटर जो है वो दूर है अभी। तो आंसर जो होगा वो इसका ए होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्लस को हम अगर डिवीजन बोल दें, और क्या है प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन एंड डिवीजन स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, फटाफट चारों ऑप्शन में हमें ये सब चेंज करके देखना है। तो मैं करेक्ट वाले में करके दिखा रहा हूँ आपको, 38 का डी होगा जिसमें प्लस को हम क्या करेंगे डिवीजन में कर देंगे चेंज, और मल्टीप्लाई को क्या करेंगे एडिशन में कर देंगे चेंज, ठीक है इक्वल टू 6, तो 2 5 + 1 = 6 और 6 = 6, तो आंसर जो होगा वो डी होगा। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड कार्डियोग्राम, ठीक है कार्डियोग्राम से क्या फॉर्म नहीं हो सकता, तो इससे ये ऑप्शन ए जो है एरोग्राम वो फॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ई है और यहाँ पे ई नहीं दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन, और पूछा गया कौन सा वर्ड इससे बन सकता है, तो केवल इसमें 40 का जो सी है ऑप्शन वो ही बन सकता है, बाकी इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि ऑपरेशन में सी नहीं आता, यहाँ पर कैप्शन दे रखा है ऐसे ही वर्ड होंगे, और नेशन एन ए एन ए टी आई, हाँ दूसरा एन नहीं है यहाँ पे, 2 एन दे दिए, ठीक है तो ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 मेंबर हैं और वो क्या है एक लाइन में बैठे हैं रो में, ठीक और वो किस तरीके से बैठे हैं वो हम उनको बिठाते हैं। ए इज टू लेफ्ट बी और रो, ई इज लेफ्ट टू बी, जो ई है वो बी के लेफ्ट में है बट ऑन द राइट ऑफ ए, और राइट किसके है ए के है। एफ इज ऑन द राइट ऑफ बी, एफ बी के राइट में है बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जी, और जी कहाँ पे, हु इज लेफ्ट ऑफ सी। तो हमको बताना है फाइंड द मेंबर ऑफ सिटिंग इन द मिडिल, तो बी और एफ जो है वो मिडिल में है, 41 का बी होगा ऑप्शन। अब क्या है क्वेश्चन हमारा 42, 42 में बताया गया है कि स्टेटमेंट दिया गया है ऑल हैंड्स आर कॉक,
ठीक है, तो मैं सर्किल बना लेता हूँ, ठीक है, ये हेंस हो गई और ये कॉक हो गई, सी फॉर, और नो कॉक इज ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक हो गया, तो ब्लैक का इनसे कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से फिर से बना लेता हूँ, ये था, ठीक है, ये ब्लैक है, ये हैन है, ये कॉक है, तो ऑल कॉक आर हैन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कॉक तो बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है, तो ये नहीं होगा। नो हैन इज ब्लैक, नो हैन इज ब्लैक, ठीक है, तो इसको देखते हैं, कोई भी हैन ब्लैक नहीं है, जी हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 43, ही इज टू इंडस्ट्रियस टू बी पुअर, ठीक है, इसके अजम्पशन दे रखे हैं वेरी इंडस्ट्रियस पीपल कैन बी पुअर, और दूसरा दे रखा वेरी लेजी पीपल कैन बी कैन आल्सो बी रिच, इसको ये सर्किल है, ये इंडस्ट्रियस का है और ये पुअर का है, ठीक है, तो दोनों ही अलग अलग हैं और दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इस केस में आपका आंसर जो होगा वो होगा नीदर वन और नॉट टू इम्प्लीकेट, क्योंकि कोई भी जो अजम्पशन है वो इसमें करेक्ट नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट है 44, आउट ऑफ फोर फिगर विच विल बी द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग द स्पैरो वर्ड एंड माइस, तो स्पैरो, ठीक है, और वर्ड्स के अंदर आता है स्पैरो, और जो माइस चूहा है वो अलग ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है 45, और पूछ रहा है कि विच ऑफ द आंसर फिगर इज नॉट मेड अप ओनली बाय द कंपोनेंट ऑफ द की फिगर, ठीक है, तो ये जो पार्ट है इससे ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और ये जो आ रहे हैं यहाँ से ये तीर भी बन जाएंगे, तो केवल सी ऑप्शन जो है वो नहीं बन पाएगा ऐसा, तो आंसर जो होगा 45 का सी। नेक्स्ट है डाइस से क्वेश्चन है, अपोजिट पूछा है 5 का, तो 2 का सेम का सेम, 3 का 3, तो 5 का 6 ही होगा, जो बचा है वो 5 का 6 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिडन बताना कि ये जो फिगर है वो किस में हिडन है, तो इसमें 47 के ए में है, ठीक। नेक्स्ट है विच नंबर इज प्रेजेंट ओनली वन ज्योमेट्रिकल फिगर में, किसी एक फिगर में हो, केवल एक फिगर में होना चाहिए, वो है 4, केवल एक फिगर में है, वो भी किस में, ये स्क्वायर में। हाउ मेनी स्क्वायर आर इन द गिवन फिगर, ठीक है, स्क्वायर को मैं अगर काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे में एक 9 और ये 10, तो इसके 10 होंगे, ठीक। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि आंसर विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि एक जो है ये डार्क है और एक विदाउट डार्क है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, विदाउट डार्क आना चाहिए और यहाँ पे डार्क वाला आना चाहिए फिगर, तो ऐसा कौन सा होगा, और सबसे पहले ये नीचे होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये 2 बचे, अब इसमें मुझे देखना है, इसमें देखो एक गायब है वाइट वाला, अब 2 बचे, अब मुझे वहाँ उस साइड में कौन सा चाहिए, विदाउट डार्क चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया रीजनिंग के, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का जिसमें हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, 2010 का जो पेपर था। थैंक यू वेरी मच।